वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हम लोग नेचुरल डिसेस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 9 नेचुरल डिसेस्टर्स के ऊपर है। हमने आपको शुरू में बताया था कि नेचुरल्स के अलावा कुछ आर्टिफिशियल डिसेस्टर्स भी हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, जो इंसानों के ज़रिए किया जाता है, इससे भी बड़े बड़े नुकसान होते हैं। डिसेस्टर्स ऐसे इवेंट्स हैं जिनके होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है और जानी नुकसान भी होता है, यानी ह्यूमन लाइव्स भी या एनिमल लाइव्स भी इसमें डिस्ट्रॉय होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और डैमेज लाने वाले इवेंट्स हैं। इनमें मैंने आपको बताया था शुरू में, बहुत मशहूर जो हैं अर्थक्वेक्स, इसके अलावा वॉल्केनो का एरप्शन, इसके अलावा फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, ये सब ऐसे नेचुरल डिसास्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला जो है वो अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक क्या है, इसको जान लें ज़रा। देखिए, हमारी जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट की 3 लेयर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। अर्थ क्रस्ट, सबसे ऊपर जहाँ हम खड़े हैं, बैठे हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारे घर हैं, सड़कें हैं। इसके नीचे, ये काफ़ी मोटी लेयर है, इसके नीचे की दूसरी लेयर मेंटल कहलाती है, वो भी हॉट है, बहुत सारे रॉक्स की बनी हुई है, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। और सबसे अंदर है कोर, तो अर्थ क्रस्ट, मेंटल और इनर मोस्ट कोर। कोर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा लेयर है अर्थ का, बहुत हॉट है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मिनरल्स हैं या रॉक्स हैं, वो सब पिघली हुई है, मोल्टन कंडीशन में है। उस मोल्टन कंडीशन को, मटेरियल की, सब्सटेंसेस की मोल्टन कंडीशन को मैग्मा कहते हैं। तो बड़ी हलचल रहती है मैग्मा में, और मैग्मा जो है वो निकल कर कुछ ऊपर की लेयर्स में भी आ जाता है, क्योंकि जो मेंटल की लेयर है, पत्थरों की लेयर है, उसके बीच बीच में बहुत सारी जगह रहती है और उसकी वजह से वो मैग्मा जो है ऊपर की तरफ, यानी हमारी अर्थ क्रस्ट की तरफ बढ़ता है और कहीं कोई बड़ी जगह देख के फिर वहाँ जमा होने लगता है। तो फिर जो बड़ी बड़ी जो पत्थरों की जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स में कुछ मूवमेंट शुरू हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर फिर ये स्लिप करती हैं, और जिस जगह ये स्लिप करती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल तैयार होती है। उस हलचल को ही, या उस जगह को जहाँ पर ये हो रहा है, फॉल्ट कहते हैं। अब ये फॉल्ट जब होता है, हलचल होती है, तो ये हलचल या वाइब्रेशंस जो हैं ये ऊपर तक आ जाते हैं, यानी हमारी अर्थ क्रस्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ये हलचल या ये मूवमेंट या ये शोर शराबा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस हलचल को ही अर्थक्वेक कहते हैं, और इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो काम करते रहते हैं। तो इस हलचल को महसूस करने के लिए, नापने के लिए साइंसदानों ने एक सीज्मोग्राफ बनाया है, लेकिन इत्तेफाक और बदकिस्मती कहिए कि किसी भी अर्थक्वेक का पता बहुत पहले नहीं चल सकता। अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो ये प्रिडिक्ट कर दे कि अब अर्थक्वेक आने वाला है। बस सीज्मोलॉजिस्ट, यानी जो इस फील्ड में काम करते हैं साइंटिस्ट,
उन्होंने इतना ही पता लगा लिया है कि हमारे इस प्लैनेट पर कौन कौन से ऐसे जोन्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं। जब इतना पता चल जाता है तो फिर आदमी होशियार हो जाता है, वहाँ पर वो अपने आप को ट्रेन करता है कि भाई अर्थक्वेक आने की कंडीशन में हमको क्या करना है, या अर्थक्वेक आने की कंडीशन में हमको कैसे अपने आप को बचाना है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेव करना है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अर्थक्वेक की स्टडी को सीज़मोलॉजी कहते हैं, इस पर काम करने वाले साइंसदानों को सीज़मोलॉजिस्ट कहते हैं। सीज़मोलॉजिस्ट वो लोग, वो साइंसदान जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सीज़मोग्राफ किसी अर्थक्वेक के आने की तस्वीर बनाती है मशीन, सीज़मोग्राफी। और इस पूरे की स्टडी सीज़मोलॉजी, तो साइंसदानों ने एक पैमाना तैयार किया है जिसको रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल एक ऐसा स्केल है जिस पर हम ये कहते हैं कि एक से लेकर आठ तक, मान लीजिए तो एक रिक्टर स्केल पर एक नंबर का अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसको माना जाता है ये बहुत छोटा माइनर अर्थक्वेक है। बहुत से आते रहते हैं, इसे हम लोग भी महसूस करते रहते हैं कभी कभी कि भाई अर्थक्वेक आया। चार से पाँच जो है वो ज़रा ख़तरनाक हो जाता है, मतलब वो भी माइल्ड है। छः सात वाला जो है वो मेजर है, और अगर सात से ऊपर जाएगा, सात आठ नौ, तो फिर इसको सीवियर कहते हैं। इसमें बड़ा नुकसान होता है, इसमें फिर अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे मकान, ब्रिज, पुल, टावर्स, ये सब गिर जाते हैं। लैंडस्लाइड होता है बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर, जहाँ बर्फ़ जमी है वहाँ पर बर्फ भी टूटकर गिरती है, एवलांशेस कहलाते हैं माउंटेन में, लैंडस्लाइड्स पहाड़ों पर ये सब होते हैं, और ज़मीन पर, लैंड पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स का कोलैप्स होता है। और इस कोलैप्स में, अब चूंकि ये सब अचानक होता है, इसका कोई बहुत ज़बरदस्त प्रिडिक्शन नहीं होता है, पहले से फोरकास्ट नहीं होती, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान लोग उठाते हैं।